स्कूल की नई क्वीन है ईवा, वो है कैसी। अरे आखिरकार मेरा सपना सच हो गया, मैं स्कूल की क्वीन हूँ। तुम सबसे बेस्ट हो कैसी। ओ कैसी नहीं, अरे हमारी बेचारी बेटी, उसे क्या हो गया है। उसने तो रानी बनने का सपना देखा था, मेरे प्यारे बच्चे। हम घर कब चलेंगे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ओह, क्या हुआ कैसी को। अरे कैसी कोमा में है, तुम फिर से भूल गई। हे भगवान, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। क्या मैं कोमा में हूँ। नहीं, मैं भूत बन गई होंगी। ये फालतू लोग मेरे बगल में क्यों खड़े हैं? जैक कहाँ है। वो यहाँ हवा काफी अलग है, माहौल काफी उदास है, जैसा कि मुझे पसंद है। कितना अजीब है, स्कूल के फिजूल लोग तक आए हैं लेकिन जैक नहीं आया। माँ पापा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। यहाँ हवा काफी तेज चल रही है, चलो डॉक्टर को बताते हैं कि केसी का कमरा बहुत ठंडा है। हाँ, हमारी लड़की को ठंड नहीं लगनी चाहिए। लेकिन वो कोमा में है। ठीक है, चलते हैं। ओह, यहाँ हमारे अलावा कोई और भी था। क्या बकवास है, क्या ये पागल यहाँ हमेशा रहने वाली है। मैं यहाँ स्कूल का कचरा बर्दाश्त नहीं करना चाहती, मैं वैसे भी क्वीन हूँ। रुको, मेरा क्राउन कहाँ है। आराम करो कैसी, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम इतने उदास क्यों हो, उसके साथ सब ठीक हो जाएगा। वैसे उसे क्या हुआ था। वो अंधेरे में गिर गई। हाँ? भूल जाओ, चलो चले, कैसी को आराम करने की जरूरत है। बकवास बंद करो बेवकूफ, मुझे सोचने दो। मैं अवार्ड सेरेमनी में जैक के साथ खड़ी थी, उन्होंने मुझे ताज पहनाया। मुझे याद है, किसी ने मुझे फंसाया। मैं पता लगाऊंगी कि किसने मुझे फंसाया है, पता लगा कर ही रहूंगी मैं। मैं फोटोज पोस्ट करूंगी और सबको लगेगा कि मैं क्वीन हूँ। क्राउन को वापस जगह पर रखो, तुम बेवकूफ। हम सब कुछ जानते हैं एरियल, चलो बोल भी दो। क्या, तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुमने कैसी के साथ कुछ गलत करने का प्लान बनाया था, ये सब तुमने ही किया है ना, जवाब दो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुमने क्राउन क्राई क्यों किया, बोलो। हम जानते हैं कि तुम हमेशा से उसकी जगह चाहती थी और तुम्हारी वजह से वो कोमा में है। मुझे जवाब चाहिए। मुझे छूना मत, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम मुझसे क्या चाहते हो। मासूम मत बनो, कैसी कोमा में है और तुम कैमरे पर क्राउन पोज दे रही हो, शर्म नहीं आती। तुम्हें इसका पछतावा होगा झूठी। हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं और हम ये पता लगा लेंगे कि तुमने ये कैसे किया। मुझे अकेला छोड़ दो। चलो चलते हैं एलिस, पछताने दो उसको। हम सबको ये बता देंगे कि तुम कितनी नीच हो एरियल। यहीं पर रहकर रोती रह चुड़ैल। वो मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं। तुम बस रुको केसी, जल्द ही सब तुम्हारे बारे में भूल जाएंगे और मैं तुमसे सब कुछ ले लूंगी। ईवा बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। तुम्हारी बहन अभी कोमा में है और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं ताकि तुम दुखी ना हो जाओ। तुम कितनी अच्छी बच्ची हो, ये तुम्हारे लिए है एक नया फोन। ओ वाह, हुरे। ओ आखिरकार किसी ने मुझे कुछ दिया, हुरे। क्या उन्होंने उस बेवकूफ को एक फोन दिया। उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं कि उनकी बेटी कोमा में है।
अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ये मैं हूँ कैसी। क्या तुम्हें मेरे बारे में याद नहीं था? हर कोई उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? मैं आपकी फेवरेट बेटी हूँ, मैं हूँ। शायद हवा चल रही थी। लगता है हवा कुछ ज्यादा ही बह रही है। मैं कोई हवा नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ कैसी। मैंने सच में फोन नहीं तोड़ा। मम्मी पापा मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो बस डर गई थी। मैं पता लगाऊंगा कि इस घर में क्या हो रहा है। बेहतर होगा कि आप जाकर मेरे लिए फोन खरीदो, और यही आपकी सजा है। मेरे मम्मी पापा का प्यार केवल मेरा होगा। कितना बुरा है। क्या मेरा जैक मुझे देखने नहीं आएगा? बकवास है, मैं पूरा दिन इसे खेल रहा हूँ और अब भी मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ। मैं अब भी हार नहीं मानूंगा जब तक कैसी ठीक नहीं हो जाती मेरी कैसी। ये क्या हो रहा है यार? क्या बकवास है, मैंने गेम सेव तक नहीं किया था। फोन किसका है? एरियल, उसे भला क्या चाहिए? हेलो। हाय जैक, तुम कैसे हो? मैं केसी के लिए बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती थी। तुम्हें केसी के बारे में सोच के बुरा लग रहा है, ये तो नहीं बात है। तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। नफरत, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो कोमा में है। सुनो, अगर तुम्हें सहारे की जरूरत है तो तुम मुझे बुला सकते हो। शुक्रिया तुम्हारा, मुझे सच में सपोर्ट की बहुत जरूरत है। स्कूल आओ, तुम घर पर नहीं रह सकते, उदास मत हो, ठीक है? ठीक है एरियल। शिट, अगर केसी को पता चल गया मैंने एरियल से बात की तो वो तो मुझे छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। उम्मीद करता हूँ उसे ये ना पता चले। क्या केसी? क्या मैंने अभी केसी को देखा? मुझे बस उसकी याद आ रही है। मैं तो ऐसे पागल हो जाऊंगा, मुझे थोड़ा बाहर जाकर आना होगा। हेलो, मेरी नोटबुक में ड्राइंग करना बंद करो। ये बहुत सुंदर है, वैसे भी ये मेरा होने वाला है। कितनी बेशरम लड़की है, केसी वहाँ पर कोमा में और ये यहाँ पर हंस रही है। मेरी सीट खाली है। क्या क्या तुम पागल हो? हे, मेरे क्राउन को मत छुओ। ये क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो रही हूँ? वो पागल है। मैं तुम्हें इसके लिए सबक सिखाती हूँ। क्या हो रहा है? लूजर कहीं की। तुमने मुझे गिराया, धोखेबाज। ये केसी है। तुम पागल हो गई, तुम चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ केसी है, वही है। क्या तुम्हें ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? तुम पागल हो क्या? कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा एरियल, अब तुम्हें तुम्हारे करने का फल भुगतना पड़ेगा। मदद करो। पक्का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। केसी यहाँ है, मैंने उसको देखा, मदद करो। ये खुद को पागल दिखा रही ताकि हम इसे माफ कर दें। चलो चलते हैं, नाटकबाज तो ये हमेशा से थी। वैसे भी कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं पागल हो रही हूँ, ये सब एक सपना है। आज का दिन कितना शानदार है, मुझे बहुत खुशी है कि हम सब साथ में हैं। हम इतने घबराए हुए थे ना कि हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठने की स्थिति में नहीं थे। तुम बहुत समझदार हो। शुक्रिया, शर्म की बात है कि मैंने अपना फोन तोड़ लिया, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, हम तुम्हें डांट नहीं रहे हैं।
वो उस पर गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत अजीब है। अरे चम्मच गिर गया, मैं अभी दूसरा लेकर आती हूँ। मैं किसी भी शोर से डर जाती हूँ, मुझे डर लग रहा है। चिंता हो नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये क्या है और मेरा क्या? आपको मेरे साथ होना चाहिए, ईवा के साथ नहीं। ये क्या है? क्या हो रहा है? ये किसने किया ये? आपको ईवा की चापलूसी नहीं करनी चाहिए, क्या आप मुझे भूल गए? क्या हो रहा है क्रिस? मुझे नहीं पता, लगता है हम सब एक साथ ही पागल हो रहे हैं। पापा मुझे डर लग रहा है। ईवा पर ध्यान देने की सजा तो मिलेगी। मेरे मम्मी पापा को मुझसे दूर करने की हिम्मत भी मत करना छोटी बहन। फिर से शांत हो जाओ लड़कियों, हम सब केसी की वजह से परेशान है। बस हम सबको कुछ चीजें दिख रही है। तुम्हें लग रहा है कि हम सबको एक साथ भ्रम हो रहा है? हमारे घर में दुष्ट आत्माएं आ गई है, ऐसा पक्का है। मैंने टीवी पर ऐसा देखा है। मुझे डर लग रहा है। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। ये भूत है, मुझे पक्का पता है। हम सब पागल नहीं हो सकते। केसी! मैं बस थक गई हूँ, थकान है। हद है, फिर से ये क्या बकवास है? बस बस, मेरे बाल कहाँ है? बहुत डर लग रहा है। मुझे जिम में बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ जैक, मैं नहीं चाहती तुम घर पर अकेले उदास रहो। आओ छिपकली, तुम उससे दूर रहो, समझी? ये तुम क्या कर रही हो? मैंने नहीं किया, मैं तो यहाँ खड़ी थी। लगता है कि भूकंप आ रहा है। सब कुछ ठीक है एरियल, तुम डरना मत बिल्कुल। जैक कहीं ये न समझने लगे कि मैं पागल हूँ। तुम फुसफुसा क्यों रही हो? जैक से दूर रहो वरना बहुत पछताओगी। दफा हो जाओ। ये लो। एरियल शांत हो जाओ, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ वो अब सोचता है कि तुम पागल हो, सही सबक मिला। जाओ यहाँ से। एरियल शांत हो जाओ, तुम बस शौक में हो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। उसने उसे गले लगाया? अरे धोखेबाज। एरियल उठो, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? एरियल मुझे क्या हो रहा है? मैं गुस्सा हूँ, अजीब सा सेंसेशन, मानो मुझ में बहुत शक्तियाँ आ गई हो। मैं ऐसा पहले नहीं कर पाई। एरियल तुम ठीक तो हो है ना? मेरे सिर में दर्द है। तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। मैं बीमार महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? काली नेल पॉलिश खत्म हो गई तुम्हारी? और तुम, क्या तुम होश में हो पागल? तुम्हारी याददाश्त ठीक हुई या तुम फिर से भूल गई? सिंडी तुम क्यों हंस रही हो? वो लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। तुम उदास क्यों हो? रुको, अभी हमने किससे बात की? तुम इतनी बेवकूफ हो। नेट ने फिर से मेरी पीठ पर नोट चिपका दिया। ओ, ये नेट कौन है? ओ, क्या ये किसी तरह का मजाक है? ओ, किसी ने तुम्हारी इंसल्ट की? क्या तुम एक लूजर हो? वेल, अगर तुम भूल गई तो हाँ, हम दोनों लूजर्स हैं। वो हमें नहीं समझते, वो नहीं समझते कि हम अंदर से कितने सेंसिटिव हैं। ओडलियन, जो हुआ उसे भूल जाओ। क्या तुम चाहते हो मेरे पास भी वही नोट हो ताकि तुम्हें बुरा ना लगे? तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम ये नोट निकाल सकती थी, पर तुम्हें इसके साथ पूरा दिन घूमना होगा। लेकिन अब मैंने लिपस्टिक लगा ली है और मैं सुंदर दिखती हूँ। ओह,
वैसे हम कहाँ जा रहे थे? मैं भूल गई। हम कैसी के बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान करने जा रहे थे। कैसी कौन है? भूल गई, हमारी क्लासमेट, वो कोमा में है और कल उसका बर्थडे है। बिल्कुल, मैं मेरी गोल्ड फिश की तरह है। मुझे बर्थडे पसंद है। हम उसे केक और गुब्बारे देंगे ताकि वो तेजी से ठीक हो सके। हाँ, गुब्बारे। चलो चले, वरना तुम फिर से सब कुछ भूल जाओगी। अरे ये मुझे कहाँ ले जा रहा है, मैं भूल गई। मैं किसी को भी ये दिन बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं बहुत बदसूरत दिख रही हूँ। जैक ऐसे लूजर को कभी नहीं चाहेगा। कुदरत ने मुझे खूबसूरत चेहरा तो नहीं दिया, मुझे कम से कम अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। ओह, ये बेहतर है। मैं सुंदर नहीं हूँ लेकिन अब बहुत बेहतर दिख रही हूँ। ठीक है, मुझे जल्दी से स्कूल जाना होगा। गुड मॉर्निंग लूजर्स। क्या तुम पागल हो? खड़ी हो जाओ वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। ये सीट कैसी की है, समझी? हाँ हाँ, सही है, मैं बस एक लूजर हूँ जो हमेशा उसकी जगह लेने का सपना देखती हूँ। ये मैं क्या कह रही हूँ? अब तो ये सच में पागल हो गई है। तुम्हें क्या हो गया है? बंद करो। हाँ? तुम फिर से? हद है ये तो। हाँ मूर्ख लड़की, मैं तुम्हें कंट्रोल कर रही थी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं तुम पर हावी हो गई। क्या तुम सोच सकती हो? तुम किससे बात कर रही हो? वो तो यही बता सकती है। चली जाओ, चली जाओ। देखो यहाँ केसी है। केसी! यकीन नहीं होता, वो सच में हमारा मजाक उड़ा रही है। मुझे इसके पास खड़े होने में भी डर लग रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। मैं वापस आऊंगी एरियल। मैं इसे और नहीं सह सकती, नहीं। अरे आज उसका बर्थडे है। किसी का बर्थडे है? बहुत बुरा हुआ कि वो कोमा में और अपने ही बर्थडे को मिस कर रही है। इसे खास बनाने के लिए हमें म्यूजिक बजाना होगा। अब ये एक पार्टी है। कितना भयानक म्यूजिक है। ओह, शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? ये लूजर यहाँ क्यों आए हैं? ओह, मेरा बर्थडे है, मैं भूल गई। वो किसी का बर्थडे है, किसी का बर्थडे है, लेकिन किसका बर्थडे है? कैसी? ओह हाँ, ठीक है। बस करो, ये किस तरह का सर्कल है? हाँ, ये तो हद है। केक मेरे मुंह में आ लगा। क्या यहाँ भूत है? वाओ, गुब्बारे उड़ रहे हैं। देखो डार्लिंग। हे भगवान, रहस्यमय चीजें होती हैं। ओ भूत है। मुझे डर लग रहा है। चलो चलते हैं। हर कोई मेरा बर्थडे भूल गया है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। एरियल, तुम कितनी कूल हो। मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मुझे सैड भी नहीं फील होता। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी, चिंता मत करो। ये क्या है? वो उसके साथ क्या कर रही है? मेरे पास तो और कोई दोस्त भी नहीं है तुम्हारे अलावा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गद्दार? ये सब क्या बोल रही हो तुम? तुमने मेरी जगह किसी बेवकूफ लड़की को दे दी। मैं ये क्या कह रही हूँ? कैसी? मैंने कैसी को देखा, मेरी बेचारी कैसी। मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। मुझे अकेला छोड़ दो, दूर हो जाओ मुझसे। तुम बहुत स्मार्ट हो, सारे ए हैं। हम तुम्हें दूसरा फोन खरीदेंगे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। मैंने पूरी कोशिश की, शुक्रिया। क्या
नया फोन? आज मेरा जन्मदिन है, आपको याद नहीं? आप कैसे भूल सकते हैं? असलियत में मैं तुम लोगों से नफरत करती हूँ। ईवा, ये तुम क्या कर रही हो यार? मुझे आपसे नफरत है, आप भयानक बुरे मम्मी पापा हो। ईवा, क्या हो गया है तुमको? कैसी जैसा बर्ताव मत करो प्लीज। क्या, केसी जैसा? क्या वो सचमुच मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं मैंने क्या किया, मेरी गलती नहीं थी सच में। हम तुम पर यकीन करते हैं, हमारे घर में जरूर कोई बुरी शक्ति होगी। जाओ, चले जाओ। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये सेफ नहीं है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी जाने मन कैसी, हैप्पी बर्थडे। मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया, माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हें फेस करने से डर रहा था और पागल हो रहा। बेचारा जैक, वो बहुत परेशान है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जैक। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे गले लगा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, काश कैसी तुम होती। ये मैं ही हूँ जान, मैं ही हूँ। By the way, मैंने एरियल से दोस्ती कर ली है, मैं जानता हूँ तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत अच्छी है, वो मुझे सपोर्ट कर रही है। क्या बकवास है एरियल, तुम पागल हो क्या बेवकूफ? क्या हो रहा है ये सब, मेरी मदद करो कोई। उसने मुझे धोखा दिया। हम तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाए कैसी। अरे नहीं सैंडी, क्या हुआ, वो ठीक नहीं है। चिंता मत करो, हम इसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। हे, क्या हुआ? देखो अब सब ठीक हो गया। नहीं, सब ठीक नहीं है बेवकूफ, वो बीमार है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? वो बेहतर है अब। हुर्रे, मैंने उसे ठीक कर दिया। बिल्कुल सिंडी, तुमने उसे बचा लिया, बहुत अच्छे। मैं उससे बोल दूंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, आखिर कब तक छुपा कर रखूंगी। जैक, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कैसे, मेरी कैसे, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। छोड़ो भी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वो ठीक हो जाएगी, चलो बात करते हैं। मैं कैसे से प्यार करता हूँ, ऐसे कैसे मैं रह लूँ उसके बिना। तुम उसे भूल जाओगे, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे भूलना नहीं चाहता और ना ही कभी भूल पाऊंगा। बहुत हो चुका, मैं परेशान हो गई हूँ अब। ए, ये तुम क्या कर रही हो? ओह, मुझे माफ कर दो, मैं बस केसी के बारे में परेशान हूँ, मैं अस्पताल में उससे मिलने जाऊंगी। कैसे? हाय केसी, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मेरा पीछा करना और मेरी जिंदगी बर्बाद करना बंद कर दो। स्कूल की क्वीन मुझे बनना था, तुम्हें नहीं, मुझे। मैंने इतने सालों तक इतनी अच्छे से पढ़ाई करी और अच्छा बर्ताव भी करा, और जैक भी मेरा होना चाहिए था, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और तुम्हारे आने तक दोस्त थे। उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, वो बुरी है। आ, दर्द हो रहा है, रुको। तुम मेरी लाइफ में दखल नहीं दोगी, समझी? मुझे मत छुओ, बंद करो। अब सब वैसा ही होगा जैसा मैं कहूँगी। तो अब एरियल, तुम वही करोगी जो मैं चाहती हूँ, ये मुझे गिराने के लिए। उसी की आवाज में बोलना बेहतर है ताकि पकड़ी न जाऊं। ये मेरा है, सब कुछ सही जगह पे रखने का समय आ गया है। कहाँ से शुरू करूँ? मेरी फैमिली से। हाय ईवा, तुम कैसी हो? मैं तुम्हारा सपोर्ट करने आई हूँ, तुम्हारी बहन कोमा में है ना? तुम दोस्त नहीं हो, है ना? तुम्हें अचानक मेरी परवाह क्यों होने लगी? जब कोई कोमा में हो तो मैं कैसे परवाह ना करूँ, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, तुम उसके लिए रो रही होगी ना?
उसे इससे क्या लेना देना। हमारे घर में कुछ गड़बड़ चल रही है। मेरे लिए यहाँ रहना बहुत डरावना है। मैं समझती हूँ, तुम सब सदमे में हो। तुम्हें केसी की कमी खल रही होगी। मैं उसे क्यों मिस करूंगी। ये लड़की पागल है। उसने हमेशा मुझे और हमारे मम्मी पापा को धमकाया। मैं उसे नफरत करती हूँ। तुमने क्या कहा। सच में ये भयानक है। मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसी थी। वो बहुत ज्यादा बुरी है। उम्मीद है कि वो बहुत लंबे समय तक उस कोमा में रहे। मैं उसे हमारी लाइफ बर्बाद करते हुए नहीं देखना चाहती। क्या बुरा सपना है। मैंने क्या कर, दरअसल उसने क्या कर दिया। उम्मीद है तुम उसे माफ करोगी। नहीं, कभी नहीं। सॉरी, मुझे जाना है। मुझे यकीन नहीं होता। क्या मुझे गिराने में ईवा का हाथ था। नामुमकिन। मुझे जैक को ढूंढना है और उसे एरियल से लड़वाना है। जैक रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए। तुमने दिमाग खराब कर रखा है और तुम एक बेवकूफ हो। मुझसे बात मत करना। क्या कह रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हे भगवान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जैक। वाह, उसने एरियल को किस किया। ऐसा कैसे कर सकते हो, धोखेबाज। एरियल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। शांत हो जाओ तुम, मैं भी जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। सही सबक मिला। उसे लगता है कि तुम अजीब हो। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझ में और ताकत नहीं। तुमने बहुत सताया है। तुम भी मुझे सता रही हो। मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश करना बंद करो। बहुत हुआ, मैं और नहीं सह सकती। माफ कर दो, माफ कर दो। क्या हुआ डायलन, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, मैं भूल गई। क्या वो लूजर यहाँ से फिर से घूम रहे हैं। वो क्यों रो रहा है। सिंडी, चलो याद करो, कैसी कोमा में है, कैसी हमारी क्लासमेट है, याद है, ये है। ओह हाँ, लेकिन तुमने उससे माफी क्यों मांगी। ये तुम्हारी गलती नहीं है कि वो यहाँ पड़ी है। बेवकूफ, वो अपने आप कोमा में गई है। तुम फिर भूल गई, तुमने उसे गिराया। तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ। क्या, ओप्स, शांत। ओह हाँ, मैं भूल गई। लेकिन ये मैंने क्यों किया। वो हमेशा हमें परेशान करती थी, हमें धमकाती थी, तो हमने उस पर प्रैंक करने का सोचा, याद है। वाकई, क्या हम इतने बुरे हैं कि हमने उसे कोमा में डाल दिया। नहीं नहीं, हमने ये जानबूझकर नहीं किया है। हम बस मजाक करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। सच में हम बुरे नहीं हैं। नहीं, ये हमारा सीक्रेट है, ठीक है। तुम वैसे नहीं, भूल जाओ, जाने दो। चलो चलते हैं, हमें कैसी के लिए ताजा फल लाने हैं। यकीन नहीं होता। बेवकूफ, मैं इन लूजर्स की वजह से कोमा में हूँ। ये क्या बेवकूफी है, क्या बेवकूफी है। रुको, तो एरियल दोषी नहीं है, ईवा भी। अरे नहीं, मैं उनके लिए बहुत मतलबी थी। मुझे माफी मांगनी चाहिए। एरियल, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम पागल नहीं हो। मुझे लगता है मैंने भी केसी के भूत को ही देखा था, और ईवा ने बताया उसने भी केसी के भूत को देखा था। वो फिर से उसके साथ है, ये चल क्या रहा है। यकीन नहीं होता कि डर के मारे तुम इतनी शांत हो गई। मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकता एरियल। क्या उसने मेरी वजह से बात करना बंद कर दिया है। एरियल, मैं तुमसे ये हमेशा से कहना चाहता था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे लगा कि मैं केसी से प्यार करता हूँ, लेकिन जब तुम्हारे साथ ये हुआ तो मुझे एहसास हुआ मुझे तुमसे प्यार है। नहीं, नहीं। उम्मीद करता हूँ तुम फिर से बात करने लगे। हम साथ घूमेंगे एरियल, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा एरियल। ये मैंने क्या किया। मैंने एरियल को बर्बाद कर दिया और इसकी वजह से जैक को खो दिया। मैंने सब गड़बड़ कर दिया। बाय माय लव।
जरा सोचो, मेरे पड़ोसी चले गए। उनका कहना था कि उनके घर में एक भूत था, बेवकूफ कहीं के, वो ऐसी बातों पर यकीन भी कैसे कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो चले गए। मुझे अभी सब कुछ ठीक करना होगा। मैं पता लगाऊंगा कि इस घर में आखिर चल क्या रहा है। तुम और मैं गए। अरे तुम मेरा मजाक क्यों बना रही हो? मैं जानता हूँ मुझसे कुछ नहीं छुप सकता, मेरे कान सब सुनते हैं। ये 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 लो, चली जाओ। ये सच में पागल हो गई है।